Hello Baccho, let's read the question. Select the incorrect statement. Option A says the molecular species or substance which concentrate or accumulates at the surface is known as adsorbate. Option B the material on the surface of which the adsorption take place is known as adsorbent. Option C is adsorption is a bulk phenomenon and option D is all of these. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिनोमिन विच इज नोन एज एड्सॉप्शन तो एड्सॉप्शन जो है दैट इज अर्फेस फोमिन तो ये एक सरफेस फिनोमिना है जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ द सब्सटेंस जिसको हम एड्जॉर्बेट बोलते हैं वो जमा हो जाते हैं दैट मीन्स दे एडहीयर टू द सरफेस ऑफ द एस्टांस जिसको हम बेंट बोलते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि वो मॉलिकुलर स्पीशीज या फिर सबस्टांस जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं एट द सरफेस उनको हम क्या बोलते हैं एड्सॉर्बेट तो अभी हम ये डिस्कस करके किया है हमने तो दैट मींस ये जो ऑप्शन है ये क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एड्सॉर्बिट वो सब्सटेंस होता है जो एक्यूमलेट होता है दूसरे सब्सटेंस पे अब ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें तो यहां पर बोला गया है कि मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस तो वो सरफेस जिसपे एडजॉर्प्शन हो रही है उस सरफेस को उस मटीरियल के सरफेस को क्या बोलते हैं एडजॉर्बेंट तो उस मटीरियल को हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट जहां पर एड्जॉर्प्शन हो रही है जहां पर दूसरा जो सब चांस है यानी कि एड्जॉर्बेंट एक्मलेट हो रहा है तो उसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं तो ये भी जो है ऑप्शन क्या हुआ करेक्ट हुआ नाउ द सेकेंड थर्ड ऑप्शन बोला गया कि जो एड्सॉप्शन होती है वो क्या होता है दैट इज अ बल्क फिनोमिनन तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली एड्सॉप्शन क्या होता है इट इज नॉट अ बल्क फिनोमिन इट इज अर्फेस फिनोमिनल मतलब ये जो एड्सॉर्पन होती है इट ओनली टेक प्लेस एट द सर्फेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट नॉट थ्रू आउट इट्स बल्क तो ये जो ऑप्शन हुआ दैट इज अनकरेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी जिसमें बोला गया ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट तो ऐसा नहीं है क्योंकि ए और बी तो करेक्ट है और सी इनकरेक्ट है दैट मीन्स ये जो ऑप्शन हुआ दैट इज इनकरेक्ट सो दैट मीन्स वी कैन से कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग